लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आद्या, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ले रहे हैं 7th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और मैंने क्वेश्चन विद फिगर आपके सामने बोर्ड पर ड्रॉ कर दिए हैं, फिगर्स भी और क्वेश्चन भी लिख दिया है। अब समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है शेड, तो समझ जाइए कि आपको शेडिंग करनी है, कलरिंग करनी है। कितना शेड करना है, क्वेश्चन ये खड़ा होता है। देखिए, हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। ए फिगर को देखिए और उन्होंने कहा इस बॉक्स में जितने भी सर्कल्स हैं उसका हाफ आप शेड कर दीजिए। अब हाफ तो एक नॉर्मल टॉक हो गया कि आप समझते हैं हाफ का मतलब आधे कर दो, लेकिन फिर भी हम इसको प्रैक्टिकली निकाल के देखते हैं कि एक्चुअली में हमें निकालना हो, कोई और फ्रैक्शन दिया हो तो कैसे हम इसको निकालेंगे, राइट? हाफ यानी कि 1/2, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और सर्कल्स इन बॉक्स ए, ए बॉक्स में कितने सर्कल्स हैं पहले आप इसको काउंट कर लीजिए। आपको ये याद रखना है, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई आता है। सर्कल्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देयर आर 12 सर्कल्स, तो आप यहाँ पे 12 लिख दीजिए। अब आपको कैंसिल अगर होता हुआ दिख रहा है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 1 2, 2 6 12, 6 1 6, दैट मीन्स कि आपको 6 सर्कल्स को शेड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हम 6 सर्कल शेड करें और आपको जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में करना है, आप कोई भी 6 सर्कल शेड कर दीजिए। आपका मन करे तो ये वाले कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही लेना है। आपको बस ये बात याद रखनी है कि आपको 6 सर्कल शेड कर देंगे, क्लियर? अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। हमारा सेकेंड पार्ट कहता है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। बी बॉक्स में जितने ट्राइंगल्स हैं उसका 2/3 आपको शेड करना है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि 2/3 कितना होता है, तो वही हम पता लगा रहे हैं। आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को कॉपी करा, 2/3 ऑफ हटाया, उसकी जगह आया मल्टीप्लाई, और टोटल ट्राइंगल्स बी बॉक्स में जितने हैं वो यहाँ लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे आप लिख दिए चाहिए 9। कैंसिल करिए, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, यानी कि यू हैव टू शेड 6 ट्राइंगल्स। तो आपको 6 ट्राइंगल शेड करने हैं 9 में से, कोई भी 6 आप शेड कर सकते हैं। 1 और शेडिंग आप पूरा क्लियर फिल करेंगे। मैंने ये स्टार्टिंग के 6 ले लिया, आप कोई भी 6 ले सकते हैं। मैंने अभी आपको बार बार बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 6 ट्राइंगल्स शेड कर दिए। चलते हैं सी पार्ट की तरफ। हमारा सी पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट एंड आखिरी पार्ट, 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। सी में जितने स्क्वायर्स हैं उसका 3/5 आपको शेड करना है। अब आप कैसे पता लगाएंगे, 3/5 लिखिए, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लिखिए और जितने स्क्वायर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपने यहाँ लिख दिया 15। कैंसिल करिए, 5 1 5, 5 3 15, 3 3 9, यानी कि आपको 9 स्क्वायर्स को शेड करना है। कोई भी 9 स्क्वायर्स पकड़ लीजिए, उनको शेड कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 9 हो गए, फिर भी एक बार रिकाउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यही पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमने शेडिंग करनी तो आती थी लेकिन हमें ये नहीं पता था इस क्वेश्चन में कि कितना पार्ट शेड करना है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो तो हमने आज वो भी सीख लिया है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हमें बताया जाए कि इतना पार्ट शेड करिए तो कैसे निकाला जाता है कि कितना शेड करना है। ध्यान रखिए, फ्रैक्शन के चैप्टर में जहां जहां आपको ऑफ न
नजर आएगा उसको हटाकर आपने मल्टीप्लाई का ही ऑपरेशन लगाना है। बस इतनी छोटी सी बात जो आपको इस क्वेश्चन में समझनी थी। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।